आने वाला 12 फरवरी बिहार के लिए एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। दरअसल 12 तारीख को बिहार विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत पेश करना है और उस बहुमत पेश करने से पहले कई तरीके के सियासी अटकलें लगाई जा रही है। विपक्ष की अगर बात की जाए तो आंकड़े बहुत कम हैं और यह आरोप भी जेडीयू की तरफ से लगाया जा रहा है कि उनके विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। अब दरअसल बिहार सरकार जो चल रही है एक तरीके से और अभी बहुमत पेश नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान तो दे ही दिया है, साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले सालों में जो है हम अपने बलबूते सरकार बनाएंगे, यानी नीतीश कुमार समाप्त। एक बात तो ये तय है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और जब आरजेडी फाइट करेगी तो नीतीश कुमार का कोई काम नहीं, यानी कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर साइड हो जाएंगे। जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है इसका यही मतलब है। लेकिन हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। दरअसल तेजस्वी यादव ने 28 तारीख को जो न्यूज़ एजेंसी है उससे बातचीत की, बातचीत में उन्होंने अपनी तमाम बातों को रख दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा खेला भी बाकी है और इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 28 तारीख के बाद तेजस्वी यादव ने ना तो किसी कार्यक्रम में शिरकत किया, ना ही किसी मीडिया से बातचीत की और ना ही कहीं वो निकले हैं। 28 तारीख से तेजस्वी यादव चुप्पी साधे रखे हैं, सीधे जो उनका कार्यकाल कहा जाए कि क्रियाकलाप है वो सुबह 10 बजे से कहा जाए कि 5 नंबर जो उनको आवास मिला था उस आवास में रहते हैं और सीधे 9 बजे वहां से निकलते हैं। ये तेजस्वी यादव का रूटीन हो गया है और अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। श्रवण कुमार ने कल कहा कि हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि विधायक के साथ उनके एक परिजन को MLC बनाने की भी बात हो रही है। अब इन तमाम कयासों के बीच तेजस्वी यादव फिलहाल अभी चुप्पी साधे हुए हैं। 12 फरवरी के बाद जो है तेजस्वी यादव कुछ बोलेंगे या फिर 12 फरवरी को जब सदन में फ्लोर टेस्ट होगा तभी बातचीत करेंगे। लालू परिवार में से किसी सदस्य ने अब तक 28 तारीख के बाद कोई बयान नहीं दिया है। राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। 12 फरवरी से पहले कई नेताओं को भी स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि कोई कुछ बयान नहीं देगा, पार्टी के जो ऑथेंटिक लोग हैं वही बयान देंगे। अब इन सब के बीच तेजस्वी यादव फिलहाल जब निकलते हैं तो उनको देखिए मीडिया के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी रोका जाता है, हालांकि वो रुकते नहीं है। वो वीडियो हम आपको दिखा देंगे कैसे तेजस्वी यादव निकल रहे थे और उनसे जब सवाल पूछा जा रहा था उन्होंने सीधे तौर पर चुप्पी साधी और आगे बढ़ते चले गए। यानी कि ये खामोशी क्या दर्शाता है, बाकी में कोई खेला होना है या फिर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जो भी बातें हों लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो तेवर है वो लगता नहीं है कि नीतीश कुमार को ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त करने के मूड में है। क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कल बातें साफ कर दी है कि आने वाले सालों में जो है हम सीधे तौर पर अपनी सरकार बनाएंगे, अब देखने हो दिलचस्प होगा कि होता क्या है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के उस विजुअल के साथ छोड़े जाते हैं। Thank you.